हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज हम आपको SSC MTF 2024 री एग्ज़ाम के बारे में सारा कुछ बताएंगे। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, कितने लोग एग्ज़ाम में भाग लिए, कितने लोग फॉर्म फिल किए थे, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो जिनको ये पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले इसमें जो है SSC MTS में टोटल फॉर्म जो है 70 लाख के लगभग व्यक्ति फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से लगभग 20 लाख जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपेयर हुए, ये RTI के द्वारा पता चला। तो RTI डाला गया था जिसमें पता लगा कि लगभग 20 लाख व्यक्ति जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम में भाग लिए। टोटल वैकेंसी थी 8300 पूरा स्टेट मिला करके। ये टेंटेटिव थी, नोटिस में लिखा हुआ था कि ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव मीन्स इसमें बदलाव भी हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन घटने की संभावना नहीं रहती है, बढ़ता ही है, क्योंकि ये 2016 का वैकेंसी है। तो 2016 से ये 17 और जाते जाते 18 हो जाएगा फाइनल मेरिट बनते बनते। तो उस दौरान पिछले जो 2014-13 ये सब का जो MTS में गए होंगे उनका या तो प्रमोशन होगा या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके वो LDC बन जाएंगे, तो सीट खाली होगा तो इसमें ऐड किया जाएगा। तो 8300 सीट थी पूरे स्टेट वाइज मिला करके, जिसमें सेंट्रल रीजन ये सब सारा स्टेट है। स्टेट वाइज वैकेंसी देख लीजिए आप लोग। सर आई स्टेट कोड प्रीफ्रेंस है जो कि डालने के लिए कहा गया था, ये अगर आपका प्रिफ्रेंस याद नहीं है तो आप बिहार का देखिए आई है, ये सब है। सबसे कम फिर देखिए इधर बिहार में भी बहुत कम था, मात्र 90 सीट है। फिर अरुणाचल प्रदेश में मात्र 39 है, मणिपुर में मात्र 5-6-12 है, नागालैंड में। तो इसी तरह से हर स्टेट में ये वैकेंसी थी। SC ST सारा का अलग अलग दिया गया था ब्यौरा। उसके बाद देखिए अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ जो है अभी दिल्ली से शुरू करते हैं हम लोग। तो दिल्ली का जो कट ऑफ है, दिल्ली उत्तराखंड ये दोनों का कट ऑफ लगभग इस बार सेम ही रहने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी ज़्यादा का अंतर नहीं था। तो दिल्ली और उत्तराखंड का जो कट ऑफ है वो जनरल के लगभग 100 रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा फिट भी है। सबसे ज़्यादा फिट है तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भी भरा होगा, ये तो पता है, लेकिन फिर भी फॉर्म ज़्यादा भरा हुआ तो पिछले बार से लगभग 5 गुना ये बार सीट भी है यहाँ। तो UR का 100 रहेगा, OBC का 90, SC का 88 और ST के 18 रहने की लगभग 99% संभावना है। यही 1-2 नंबर का आगे पीछे रहेगा। और उसके बाद देखिए गुजरात, दमन दीव एवं गोवा, ये सब स्टेट ऐसे हैं जहाँ के बहुत कम ही लोग प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ की कट ऑफ लगभग सबसे कम रहती है हर बार। तो यहाँ भी चलिए जनरल के लिए 80, OBC की 72, SC की 65 और ST की 62 फिट रहने की संभावना है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र भी ऐसा स्टेट है जहाँ बहुत कम लोग भरते हैं, लेकिन वहाँ भरते हैं। यहाँ भी सीट इस बार अच्छा खासा था। तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सभी स्टेट का लगभग जो है कट ऑफ सेम, 1-2 अंतर, 1-2 मार्क्स का आगे पीछे रहता। तो यहाँ का जो कट ऑफ होगा जनरल के लिए लगभग 95, OBC की 87, ST की 82 और ST की 79। उसके बाद देखिए कर्नाटक, पंजाब, ये दोनों का भी लगभग लगभग जो है पिछले साल को हम देखें तो ये दोनों का लगभग सेम ही था, 1-2 अंतर का आगे पीछे था, 1-2 मार्क्स का। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ किए हैं। तो यहाँ का भी UR का लगभग 100, OBC का 93, SC का 80 और ST का 72 रहने की संभावना। उसके बाद देखिए अब जहाँ की सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है उस स्टेट की बात करें,
तो बिहार, यूपी, राजस्थान और हरियाणा, ये चार राज्य ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ हर वर्ग सबसे ज़्यादा रहती है। यहाँ के स्टूडेंट भी यहाँ ज़्यादा रहते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, कि जहाँ भीड़ जो है ज़्यादा, तो यहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगी। लगभग जनरल के 115 के 118, यूआर के 115 से 118, ओबीसी की 103 से 110 जा सकती है, कहीं 103.5 भी रहेगा, कहीं 110 ये के बीच में रहेगी। ये सब स्टेट में एससी का 95 से 98 और एसटी का 90 के लगभग रहने की संभावना। चलिए यही था आज का स्टेट वाइज कट ऑफ, टोटल अपेयर हुए थे 20 लाख। थैंक यू, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।